हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी आर वेटिंग फॉर वन क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है डीएम। डीएम क्या है, कैसे वो लॉन्च होगा, कब लॉन्च होगा, इसकी बातें हम करेंगे। क्या इसका प्राइस चेंज होगा ज़्यादा, इसकी भी बात करेंगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जानना। जितना हम लोग वेट कर रहे हैं, क्या वो उस पर खड़ा उतरता है, नहीं उतरता है, इन सब की बातें करेंगे। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, देखते हैं डीएम है क्या। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं लैपटॉप में जाने से पहले कि डीएम है फेसबुक की खुद की क्रिप्टो करेंसी जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई है। डीएम का वाइट पेपर ऑलरेडी आ गया है, रोड मैप अभी आया नहीं है। बहुत टाइम से इसका चल रहा है कि ये 2021 में लॉन्च हो जाएगा, होगा नहीं होगा अभी किसी को कन्फर्मेशन नहीं है, बट यस स्पेकुलेशन की अगर हम माने तो 2021 में ये लॉन्च हो जाएगा। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं फॉर डीएम, बट डीएम खरीदना एक्चुअली आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, इसकी बात कर लेते हैं, बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, एंड ये है कुछ डीएम प्रोजेक्ट का होम स्क्रीन। डीएम जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक की खुद की क्रिप्टो करेंसी है जो आने वाली है। अबाउट अस में अगर हम जाएं तो अबाउट अस में ये बताते हैं, द डीएम एसोसिएशन इज अ मेंबर बेस्ड एसोसिएशन डेडिकेटेड टू बिल्डिंग अ ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम दैट सपोर्ट्स फाइनेंशियल इनोवेशन, इंक्लूजन एंड इंटीग्रिटी। तो यस, ये कहीं ना कहीं एक पेमेंट के लिए बनाया गया है ये कॉइन जो फेसबुक अपना खुद का लॉन्च कर रहा है। सो बेसिकली अगर हम इस कॉइन के बारे में बात करें, ये एक ओपन सोर्स है, स्केलेबल है एंड सिक्योर है, जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम फेसबुक। रोल इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, द एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द डीएम नेटवर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ डीएम प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन हम सबको पता है कि क्या है, किसके साथ ये एसोसिएटेड है। मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस टोकन है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लिख रखा है, स्ट्रेटजी यहाँ पे लिख रखी है क्या है। एग्जीक्यूटिव टीम की हम बात करें तो यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है, आप लोग आके यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो सारी की सारी डिटेल। हमें अभी ये जानना है कि डीएम कब लॉन्च हो रहा है, बिकॉज फेसबुक की खुद की क्रिप्टो करेंसी है। हम सब जानते हैं फेसबुक कितने सारे लोग यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में भी अगर हम बात करें तो यस, हार्डली कोई एक घर होगा जहाँ पे फेसबुक कोई ना कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा, ऑलमोस्ट सब लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। तो फेसबुक के लिए इमेजिन करो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करना कितना इजी, कितना सिंपल होगा लोगों से बोलना कि आप ये वाली क्रिप्टो करेंसी परचेज करो, कितना सिंपल होगा, क्योंकि फेसबुक का खुद का क्रिप्टो करेंसी है। किसी और की क्रिप्टो करेंसी होती तो ऑब्वियसली उसको मार्केट करने के लिए पेमेंट मांगता, बट जब खुद की क्रिप्टो करेंसी है तो ऑब्वियसली फेसबुक कोई भी पेमेंट नहीं मांगेगा, एंड वो पूरी जान लगा देगा इसको प्रमोट करने में, इसकी मार्केटिंग में पूरी जान लगा देगा। तो अगर हम गूगल में सर्च करते हैं व्हेन विल डीएम कॉइन लॉन्च, तो यहाँ पे आता है माइट लॉन्च इन 2021 अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2020 रिपोर्ट बाय द फाइनेंशियल टाइम्स। द डीएम प्रोजेक्ट कुड हैव लॉन्च एज अर्ली एज जनवरी दिस ईयर, व्हाइल वी नो दैट द सेम डिडंट हैपन, इट कुड मीन दैट डीएम एसोसिएशन विल स्टार्ट इट्स करेंसी सम टाइम इन दिस ईयर। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अभी ये कॉइन लॉन्च नहीं हुआ है, बट बहुत सारे लोग इस पे नजर गड़ाए बैठे हैं कि डीएम लॉन्च होगा तो हमने डीएम खरीदना है, स्पेशली बिकॉज ये फेसबुक की खुद की क्रिप्टो करेंसी है, एंड हम सब लोग जानते हैं इसको मार्केट करना बहुत सिंपल है। मुझे ये लगता है, आप लोग अपनी रिसर्च कर लेना बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन। अब डीएम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये सीएनबीसी ने अपनी वेबसाइट में लॉन्च करा था, फेसबुक बैक डीएम एम्स टू लॉन्च डिजिटल करेंसी पायलट लेटर दिस ईयर। अब यहां पे लिखा है द डीएम एसोसिएशन इज एमिंग टू लॉन्च अ पायलट विद अ सिंगल स्टेबल कॉइन पेग टू द यूएस डॉलर्स इन 2021 अकॉर्डिंग टू अ पर्सन फैमिलियर विद द मैटर। तो अगर डीएम एक स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेबल कॉइन जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, जस्ट लाइक बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी, वो थोड़ा ही फ्लक्चुएट करता है, वो एक्चुअली बहुत ही कम फ्लक्चुएट करता है स्टेबल कॉइन। अगर तो ये स्टेबल कॉइन की तरह लॉन्च होता है तो बहुत सारे लोग जो इसको परचेज करेंगे वो ज़्यादा प्रॉफिट इससे नहीं निकाल पाएंगे। दिस इज़ दी फर्स्ट इम्प्रेशन जब मुझे पता चला कि डीएम इज़ अ स्टेबल कॉइन। तो हम आ जाते हैं अपने कॉइन जीको ऐप में, आपको दिखाते हैं स्टेबल कॉइन एक्चुअली कौन कौन से हैं जो अभी करेंटली स्टेबल कॉइन चल रहे हैं। अगर स्टेबल कॉइन आप देखो तो -0.5% चल रहा है। इसमें जब हम आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले दिखता है यूएसडीटी, सेकंड में दिखता है यूएसडीसी, थर्ड में दिखता है बीयूएसडी। तो और बेसिकली अगर आप ध्यान से नोट करो, जितने भी कॉइन्स हैं टिल एमयूएसडी, ये सारे कॉइन ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज के आसपास के हैं, एंड ये सेम प्राइस चलते हैं। तो अगर हम यूएसडीटी की बात करें और यूएसडीटी का अगर हम मैक्सिमम मैप भी देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी
फ्रॉम द रेंज ऑफ 60 to 72। तो बेसिकली स्टेबल कॉइन ज़्यादा ऊपर नीचे होते नहीं है, जैसे हम सबको पता है। USDC जो सेकेंड स्टेबल कॉइन है उसकी अगर हम बात करें, मैक्सिमम क्लिक करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन है। आप देखो जो प्राइस गैप है 68 to 76 रुपीज़ का यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी ऑलमोस्ट सेम लाइन में चलता है। ये बेसिकली होता है अकॉर्डिंग टू द US डॉलर। BUSD की अगर हम बात करें तो Binance USD, इसका भी अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखें तो आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी फ्रॉम 70 to 76 रुपीज़। तो DM अगर स्टेबल कॉइन की तरह लॉन्च होता है मार्केट में तो मुझे नहीं लगता उसमें लोग ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। येस, इट विल बी अ स्टेबल कॉइन। बेसिकली जो फेसबुक DM बना रहा है वो बना रहा है एज अ स्टेबल कॉइन विच इज़ इक्वेलेंट टू US डॉलर्स, एंड कितना वो चलता है कितना नहीं चलता वो देखना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा कि फेसबुक में जो भी हम पैसे देते हैं अभी तक गूगल पे या किसी और के थ्रू टू मार्केट इन फेसबुक, तो उसकी जगह वो DM लेना स्टार्ट कर देगा। मेरे ख्याल से ये होगा। DM और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है वो देखते हैं। पेमेंट्स में ऑब्वियसली यूज़ हो सकता है, जबकि स्टेबल कॉइन क्योंकि पेमेंट्स में यूज़ हो जाते हैं जनरली, बिकॉज उनका प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं होता है। तो अगर DM आया एज अ स्टेबल कॉइन, जो अभी न्यूज़ बता रही है कि वो स्टेबल कॉइन ही है, तो मैं शायद ही लूँगा DM, बिकॉज मैं क्रिप्टो में आया हूँ टू मेक प्रॉफिट एंड नॉट टू डू एनी ट्रांजैक्शन थ्रू क्रिप्टो करेंसीज। आप लोग देख लो, आप लोग कर लो रिसर्च। कोई भी आपको डाउट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। वील ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।